जिंदाबाद। इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। श्री आकाश जी जिंदाबाद। श्री आकाश जी जिंदाबाद। आकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैंपेन चलाई है कि मेरा पहला वोट नफरत के खिलाफ होना चाहिए और मोहब्बत की सियासत के लिए जाना चाहिए। और आज जिसको हम लॉन्च करने वाले हैं, ये कुछ दिन पहले कर रहा था मैं, लेकिन हमने मुनासिब समझा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो खुद इसको आज लॉन्च करेंगे और ये भी प्रोग्राम एक शॉर्ट टाइम में इसको आगे भी चलाया जाएगा और हम इसके लिए भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन करेंगे। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। देखिए, जब से हमारी ये नई टीम बनी है यूथ कांग्रेस की, ये मेरा पहला दौरा है बारामूला का। ये डिस्ट्रिक्ट टूर चल रहा है जिसमें हम हर दिन एक नए डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और वहाँ की टीम के साथ मिलके जो वहाँ के मसले हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ की कमेटीज़ को अनाउंस करना है, उसके लिए चर्चा हो गई है। और उसके साथ साथ जो यहाँ की जो जोश है जो हमने आज यहाँ देखा है, हमारी तो सिर्फ ये कोशिश थी कि किसी तरीके से जो नौजवान इलेक्टेड हैं उनसे मिला जाए, लेकिन यहाँ जो वेलकम हुआ है पेरेंट बॉडी ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, सब ने मिलकर जो जोश दिखाया है, उससे मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ जो है बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, हम कोई भी जमात है वो कोई नहीं कहेगी कि एंटी पार्टी एलिमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन इस समय मुझे ये लगता है कि जो सरकार है, इस समय मौजूदा सरकार है, वो किसी ना किसी तरीके से जो कोई आवाज़ उठाएगा उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगी। अब उसमें क्या अंदर है निकलेगा वो हमें नहीं पता, इसके लिए हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी एंटी पार्टी है उसकी सपोर्ट में तो कोई नहीं है। हम सब सपोर्ट में है कि हिंदुस्तान जो आगे बढ़े और जो आवाज़ है जो बेरोजगारी के खिलाफ है, जो जहाँ के नौजवानों के मुश्किलात हैं उनके लिए जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। देखिए, दुकानदार किसी को कहना तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि जो कोई काम कर रहा है आप किसी को कहेंगे कि ये काम जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। दुकानदार जो कर रहा है वो भी इज्जतदार है। अगर इज्जतदार आदमी जो है आगे बढ़ के मेहनत करके कहीं बढ़ सकता है तो उसके लिए गुलाम नजी आजाद साहब ने अपने फायदे के लिए कोई बात कही होगी तो उसके लिए वो जाने। बोला कि कॉम्प्रोमाइज किया है वकार सुल्तान ने, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है उसके सबूत अगर उनके पास है वो दिखाएं। उसके लिए बोलने से अगर हो जाए तो बोलने से तो आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी के खिलाफ। कल इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट ना करने पर 7 स्टूडेंट्स को यूएपीए के तहत बंद कर दिया गया। देखिए, आपको मैंने वही तो मैंने आपको कहा ना कि आज के दिन में जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, किसकी मजबूरियां रही होंगी, कोई बीमार होगा, किसी के काम में खराबी होगी, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम किसी के पर्सनल उसको हम नहीं कह पाएंगे कि किसी ने क्यों किया और क्यों नहीं किया। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यहाँ के कांग्रेस कमेटी के श्री इरशाद अहमद हुजूर साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे श्री एडवोकेट शेख हामिद जी, जोरदार। इसके बाद में दावत दूंगा हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं यहाँ पे।